गोवर्धन पूजा का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इसे अन्नकूट पूजन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो इंद्रदेव पर भगवान कृष्ण की जीत का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर लोग 56 प्रकार के पकवान बनाकर कान्हा को चढ़ाते हैं और उनकी विधिवत पूजा करते हैं। इन्हीं पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। इसके बिना इस दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू इसे बेहद उत्साह से हर साल मनाते हैं। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजन के बाद राज्य सरकार अब गोवर्धन पूजा का त्योहार भी बेहद उत्साह के साथ मनाने जा रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के सभी संभाग, जिले, तहसील और गाँव में गोवर्धन पूजा के लिए सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश के मंत्री और विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। गोवर्धन पूजा के लिए सरकार ने 2 नवंबर को सरकारी अवकाश की घोषणा की है, जिससे लोग गोवर्धन पूजा में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। इस देश में दूध दही की नदियां बहती आई है। गोपाल कृष्ण का जमाना जागृत करना है तो गोपालन को, पशुपालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। जगह जगह गौशाला खोलेंगे, सरकार उसको पैसा देगी। सरकार मध्य प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार काम कर रही है। मोहन सरकार ने भारतीय नववर्ष को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने के साथ ही गौ संरक्षण की दिशा में अनेक अहम डिसीजन लिए। ये सार्थक पहल मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और उनके अनन्य गौ प्रेम को दिखाता है। गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के जरिए भी सरकार लोगों को गौ सेवा से जोड़ना चाहती है। गौ सेवा को लेकर सरकार ने एक अहम योजना भी प्रदेश में लागू की है। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत वर्तमान में कुल 1289 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें करीब 1.27 लाख गायों का पालन पोषण किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में गौ संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है, जिससे आवारा गायों और बेसहारा पशुओं के लिए उचित देखभाल और आश्रय उपलब्ध हो सके। इस योजना के तहत इन गौशालाओं में आवश्यक संसाधन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ताकि गायों को सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक माहौल मिल सके। गौवंश पालने के लिए पशुपालकों का भी प्रोत्साहित और मदद करना जरूरी है। यही वजह है कि किसानों को सरकार ने पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी किया है। इस कार्ड के जरिए प्रदेश के हजारों किसानों को कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, दुग्ध उत्पादन में अपनी रुचि दिखाने वाले किसानों को राज्य सरकार हर संभव मदद का प्रयास कर रही है। गौशाला में तो बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस और ऐसी गाय जो पालने को तैयार नहीं है, सरकार सारा खर्चा करेगी। प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। गौशालाओं में गौवंश के लिए बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि को बढ़ाकर 40 रुपए करने का फैसला किया गया है। गौशालाओं को भूसा प्रबंधन के लिए आधुनिक मशीनों और उपकरणों के लिए अनुदान और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अधूरी गौशालाओं के निर्माण को पूरा करने के साथ नई गौशालाएं शुरू करने का डिसीजन लिया गया है। वहीं प्रत्येक 50 किलोमीटर पर घायल गायों का इलाज के लिए परिवहन के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन का टोल व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध करने का फैसला भी लिया गया है। किसान की खेती की आय के अलावा दूध की आय भी बढ़ाना पड़ेगी, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन पर, जैसे गेहूं पर, अन्य फसल पर खरीदने में बोनस देते हैं, ऐसे गाय का दूध भी किसान से खरीदेंगे और उसको बोनस देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। सरकार के गौवंश संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों का प्रदेश में असर भी देखने को मिल रहा है। हरदा में दयोदय गौशाला में 370 गायों को इंसानों से भी ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं। गायों के लिए कमरों में एसी, कूलर और पंखे लगे हैं। साथ ही घायल गायों के लिए आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है। ऐसा ही उत्साह बैतूल, नर्मदापुरम और सिंगरौली के किसानों में भी देखा जा रहा है। यहाँ किसान गाय पालन के साथ दुग्ध उत्पादन कर पैसा कमा रहे हैं और आर्थिक रूप से समृद्ध बन रहे हैं। सुबह से गाय हुन हमारी जंगल की ओर चले जाती है चरने के लिए, और शाम को 4:30 बजे करीब बाद आती है। अगर कोई जख्मी अख्मी होता है तो अगर तुरंत इलाज किया जाता है। और शासन गौशाला खुल रही है, उसके माध्यम से गौवंश सुरक्षित हो रहा है। सर, ये घरेलू बिजनेस है का, इसमें जो आप अपने
घर की मजबूती के साथ साथ जो है व्यापार आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हजारों लोग जुड़ेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ दूसरे जन प्रतिनिधि भी जगह जगह जाएंगे और पूजा करेंगे और सरकार का गौ संवर्धन और संरक्षण का संदेश भी साकार होगा।